एक तो हम लोगों ने काफ़ी सारे एरियाज़ में, जैसे रिवर फ्रंट है या लाल चौक, हमारा पोलो व्यू, रेजेंसी रोड, इसी तरीके से इवन जो डल का एरिया है वहाँ के लिए वाईफाई, पब्लिक वाईफाई सिस्टम का एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है। इसमें ऑलरेडी जो है टेंडर फ्लोट किया गया था। इनिशियली वी डिड नॉट गेट मच रिस्पॉन्स टू द टेंडर, नाउ इट हैज़ बीन अगेन रीफ्लोटेड। सो आइडिया ये है कि शहर में जब एटलीस्ट जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे इजीली बच्चों के पास या जो हमारे यूथ अक्सर वहाँ बैठते हैं, तो दे शुड बी एबल टू यूज़ वाईफाई इन द सिटी। इनफैक्ट टूरिस्ट भी जो है काफ़ी हद तक इसको यूज़ करते हैं, उनके लिए भी बड़ा आसान हो जाता है ये। सो उसी पर्स्पेक्टिव से दिस हैज़ बीन डन। वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन ए सिंगल साइन ऑन बेसिस कि आपने एक बार लॉग इन किया है तो फिर हर जगह आपको बार बार कनेक्ट लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं पड़े, ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन वो डिटेक्ट कर पाए। सो वी आर होपफुल दैट अगले कुछ महीनों में वी विल बी एबल टू लॉन्च इट एंड रोल इट आउट। क्योंकि हमने रीटेंडर इसको किया हुआ है, सो एज सून एज आर टेंडर गेट्स फाइनलाइज्ड, तो कोशिश कर रहे हैं कि अगले महीने डेढ़ महीने भर में अक्रॉस द सिटी ये चालू हो जाए। इसके बगैर हम लोगों ने जो रिवर फ्रंट है और जो ज़ीरो ब्रिज है वहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ ऑलरेडी वी हैव इंस्टॉल्ड द वाईफाई देयर विच इज़ वर्किंग, वो हमने ऑलरेडी वहाँ पर लगा दिया है। दिस इज़ इन एडिशन टू दैट हम बाकी इन दो जगहों पे तो ऑलरेडी मॉडेम्स वगैरह जो हैं, राउटर्स वगैरह लगा दिए गए हैं, बट ये जो नेक्स्ट फेज़ में वी वांट टू लॉन्च इट अक्रॉस द सिटी, तो उसमें इट इज़ गोइंग टू टेक अस लिटिल टाइम। स्मार्ट सिटी के तहत जहां लाल चौक को रिनोवेट किया गया, पोलो व्यू को रिनोवेट किया गया, उसी के साथ साथ जो रिवर फ्रंट थे उसको भी रिनोवेट किया गया, लेकिन अब वही नगर के लोगों के लिए अब इंटरनेट सर्विस भी फ्री रखी जाएगी और जगह जगह पे अब वाईफाई सिस्टम रखा जाएगा जहाँ पे लोग जाएंगे और वहाँ पे इंटरनेट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर ये इंटरनेट फैसिलिटी जो है डल के अराउंड होगी, पोलो व्यू पे होगी, लाल चौक पे होगी, उसके साथ साथ जो जहलम रिवर फ्रंट है, राजबाग एरिया है, वहाँ पर ये फैसिलिटी रखी जाएंगी और जहाँ पर लोग वो वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद इंटरनेट का भी वो वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इसकी एक खासियत है कि अगर आप एक बार लॉग इन करते हैं तो फिर आप किसी भी जगह पर जहाँ जहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ जहाँ पर इंटरनेट लगा होगा वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है स्टूडेंट्स को भी होगा, क्योंकि आपको याद होगा यहाँ कॉलेज भी है, कॉलेज के बाद अगर स्टूडेंट निकलता है वो बाहर पढ़ भी सकता है, इन जगहों पे जाकर पढ़ाई भी कर सकता है, या बाकी जो मुलाजिम है वो वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। और ख़ासकर कुल मिला के देखा जाएगा जिनको भी इंटरनेट फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट का इस्तेमाल जो करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस होगी, क्योंकि स्पीड भी कम रहती है कभी कभार, लेकिन ये वो इंटरनेट है जहाँ पर स्पीड भी अच्छी रहेगी और ये सर्विस जो है बिल्कुल फ्री आम लोगों को दी जाएगी। कैमरा पर्सन समीर वानी के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर, कश्मीर।